Musica <sweak> Musica दाय कृष्णकृष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नितिनामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादीपाश्चैत्यदेशतारिणे जय श्रीकृष्ण चैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैतगदाधर शिवा सादिगौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम, राम हरे 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 कृष्णा मंत्र कथा के और एक एपिसोड में आप सभी दर्शकों का स्वागत हो पिछले सत्र में हमने देखा श्लोक क्रमांक पच्चीस तक श्रेष्ठम स्कंद के दूसरे अध्याय के कि किस प्रकार अजामिल ने दोनों ही यमदूत और विष्णुदूतों के बीच के संवाद को ध्यानपूर्वक सुना और सुनने के बाद उसने भागवत धर्म के शुद्ध भागवत धर्म का भी श्रवण किया और त्रिवेद्यम गुणाश्रित वेदमयी धर्म का भी श्रवण किया और उसमें से परिणाम ये हुआ कि उसके हृदय में भगवान विष्णु के प्रति भक्ति जागृत हुई और वो अनुताप करने लगा पश्चाताप करने लगा अपने किए पर उसे पछतावा होने लगा और वो अपने उस अशुभ कर्मों को स्मरण करने लगा कि मैंने क्या क्या किया मेरे भूतपूर्व जीवन में तो वो क्या स्मरण कर रहा है ये हम श्लोक क्रमांक 26 से आगे आज देखने का प्रयास करेंगे अहो में परमम कष्टम अभूत अभिजित आत्मन ये न विप्लावित ब्रह्म वृषल्याम जायत आत्मना ये जो मुझे परम कष्ट हुआ मेरी ये अवस्था जो हुई बड़ी दयनीय अवस्था हुई मुझे ये क्यों हुआ तो कहते हैं अभिजित आत्मना क्योंकि मेरा मेरे मन पर और इंद्रियों पर संयम नहीं था और इसलिए आज मैं इस कष्टप्रद अवस्था में इतनी भयावह अवस्था में गिरा हुआ हूं ये न विप्लावितम ब्रह्म जिसकी वजह से मुझ में जो ब्राह्मणी गुण थे वो सब नष्ट हुए ऐसे वेश्या के साथ में रहकर उससे मैंने बच्चे उत्पन्न किए आत्मा पत्नी को जाया कहते हैं इसका अर्थ क्या है जाया शब्द का अर्थ वास्तविक माता होता है जिससे जन्म लेते हैं हम लेकिन पत्नी को भी जाया कहा गया है क्यों ऐसा क्योंकि पति पत्नी के गर्भ से ही बच्चे के रूप में जन्म लेता है पुत्र जन्म लेता है पत्नी के गर्भ से लेकिन वास्तविक वो पति ही जन्म लेता है इसलिए पत्नी को जाया कहा गया है वो कह रहा है कि जिसकी वजह से मेरे ब्राह्मणी गुण मेरे सदाचार मेरे सदगुण सब नष्ट हुए वो वृशल्या या वो वेश्या उसके गर्भ से मैंने जन्म लिया पुत्र के रूप में यानी उससे मैंने बच्चे उत्पन्न किए ये सब क्यों हुआ क्योंकि मेरा मेरे मन पर और इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं था किसी भी प्रकार का कष्ट व्यक्ति को होता है तो उसका एक ही कारण होता है कि अनियंत्रित मन और इंद्रियों के द्वारा किए गए कर्म जब भी व्यक्ति अनियंत्रित मन के द्वारा बेछूट कर्म करने लगता है कोई रेगुलेशन नहीं कोई नियम नहीं कोई कानून नहीं कोई कायदे नहीं जैसे मन को चाहे वैसे जिसे स्वैराचार कहते हैं वो स्वैराचार जब व्यक्ति करने लगता है तो वो अपने लिए काफी सारे संकटों का और दुखों का भूरी भूरी प्रबंध कर रहा है ये जानना चाहिए अजामिर कह रहा है कि मैं चूंकि मेरा मेरे मन पर और इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं था इसलिए मैंने ऐसा कर्म किया और यह कर्म जो है मेरे आज की इस अवस्था के लिए कारणीभूत है अब यह सच्चे मन से पश्चाताप कर रहा है क्योंकि उसने वास्तविक सामने देखा कि उसकी मृत्यु सामने खड़ी है और केवल एक कारण से वो बच गया कि उसने उसके पुत्र का नाम नारायण रख दिया था वैसे उसका भी कोई मानस नहीं था भगवान को पुकारने का वो भी कोई भगवान को पुकार नहीं रहा था लेकिन चूंकि उसके पुत्र का नाम भगवान के नाम के साथ था उसके पुत्र को पुकारते हुए वो बच गया वो तो अनायास ही बच गया जैसे हमने पिछले सत्र में देखा था कि किस प्रकार न जानते हुए भी दवाई अगर खाई जाए कि दवाई में कौन से गुण है ये न जानते हुए भी दवाई खाई जाए तो दवाई अपना परिणाम करती है उसी प्रकार अजामिल को पता नहीं था कि भगवान का नाम उसके बेटे का नाम भगवान के नाम के साथ है लेकिन वो उच्चारण करने के बाद क्या परिणाम होगा वो उसे पता नहीं था लेकिन नाम तो परिणाम कर गया ये तो उसका सद्भाग्य था उसकी कुछ सुकृति थी कि उसने अपने पुत्र का नाम भगवान के साथ दिया आजकल हमारे पास तो वो सद्भाग्य भी नहीं है क्योंकि हम ऐसे थर्ड क्लास के नाम रख देते हैं तो अजामिल सच्चे मन से पश्चाताप कर रहा है कि मैंने जो किया वो गलत किया विगर्तम सदवीर दुष्कृतम कुलकजलम हितवा बालम सतिम योहम सुरापिम असतिम अगाम मैं सत्पुरुषों के द्वारा सज्जनों के द्वारा मेरा धिक्कार ही होगा कोई भी मुझे लेकर एक अच्छा शब्द नहीं मुंह से निकालेगा मेरे विषय में सदैव सज्जनों द्वारा मेरा अधिकार होगा क्योंकि ऐसा गर्हित कार्य मैंने किया है ऐसा गर्हित दिष्कृत किया है क्या किया है ऐसा कार्य किया है जैसे मेरे जिससे मेरे कुल पर बहुत बड़ा लालचन लग चुका है कज्जलम कुलकज्जलम कज्जल कहते हैं काजल को कालिक पोत दी है मैंने मेरे कुल के मुख पर मेरे कुल को अशोभनीय ऐसा कार्य मैंने किया है क्या कार्य किया हित्वा बालाम सतीम योहम मैंने मेरे बाला बाला यानी जो युवती थी ऐसे युवती और सती पत्नी को त्याग दिया और किसके लिए त्यागा हाँ अगर कोई बहुत बड़ी बहुत बड़ी सुंदरी उसके जीवन में आती है और वो ऐसा कार्य करता है तो एक बात अलग थी लेकिन किसके लिए त्यागा सुरापिम असतिम अगाम एक ऐसी स्त्री के लिए जो चारित्रहीन थी शराब पीकर अनेक पुरुषों के साथ संग करते हुए वेश्यावृत्ति के साथ वो रह रही थी ऐसे स्त्री के लिए उसने अपनी सती पत्नी को त्याग दिया एक असती के लिए सती को त्यागा एक सुंदर युवती व्याहता सती पत्नी के साथ रहता हुआ यह व्यक्ति उस पत्नी को त्याग कर एक का चयन कर लिया कैसे सज्जन मेरे लिए दो शब्द भी दो उद्गार भी अच्छाई के बोलेंगे मेरा धिक्कार ही होगा और होना भी चाहिए क्योंकि मैंने काम ही ऐसा किया है दुष्कृत मैंने ऐसा दुष्कर्म किया है कि जिससे मेरा पूरा कुल जो है ये भ्रष्ट हुआ नष्ट हुआ मैंने मेरे कुल पर बहुत बड़ी काली तो वृद्धाव अनाथ पितरौ नान्य बंधु तपस्वीन अहो मयाधुना त्यक्ताव अकृतज्ञेन नीचव मैंने ऐसा नीच कार्य किया अकृतज्ञ होकर मैंने ऐसा नीच कार्य किया है कि मैंने मेरे वृद्ध और अनाथ माता पिता को पितरौ माता और पिता इनको मैंने त्यक्त त्याग दिया किस अवस्था में त्याग दिया नान्य बंधु उनका कोई नहीं था न अन्य बंधु उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था और वो वृद्ध हो चुके थे अब खुद की देखभाल करना उनके लिए वे असमर्थ थे अनाथ थे उनका पालक करने के लिए पालन करने के लिए कोई नहीं था ना ही उनका कोई बंधु था जो उनके तरफ बंधु का अर्थ है उनका कोई सुरुत था उनका अन्य कोई बेटा था या बेटी थी या अन्य कोई रिश्तेदार थे जो उनकी देखभाल कर सके कोई नहीं था उनको मैंने तपस्या करने के लिए तपस्या का अर्थ है बहुत बड़े कष्ट भुगतने के लिए ऐसे ही छोड़ दिया अहो मयाधुना त्यक्ताओ मैंने सहसा ऐसे ही छोड़ दिया मैंने थोड़ा भी विचार नहीं किया कि ये मेरे माता पिता है बूढ़े हो चुके हैं इन्होंने मुझे जन्म दिया है उन्होंने मेरे ये इतना सुंदर शरीर दिया है ये इतनी इतनी सब सुविधाएं उन्होंने मुझे प्रदान की है न जाने जब मैं छोटा था तो कितना कष्ट लेकर उन्होंने मुझे पाला है बड़ा किया है मेरी हर आवश्यकताओं की तरफ ध्यान दिया है माता पिता बच्चे के लिए क्या नहीं करते है? अपना सब कुछ नौछावर करते हैं बस अपने बच्चे की खुशी के लिए और बच्चे बड़े होकर एक स्त्री के पीछे लंपट होकर माता पिता को त्याग देते हैं और कुछ तो इतने बेशरम होते हैं इतने बेहया होते हैं कि उनको इस बात का पश्चाताप तक नहीं होता या अजामिर तो फिर भी बहुत अच्छे वृत्ति का व्यक्ति है क्योंकि कम से कम वो पश्चाताप तो कर रहा है उसे इस बात का एहसास तो हो रहा है कि जो उसने किया वो गलत किया आज समाज में हम देखते हैं कि सरकार को यह कानून बनाने की आवश्यकता हुई कि बूढ़े माता पिता को असहाय रूप में छोड़ने वाले बच्चों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए यहां तक हम बेहया हो गए हैं यहां तक यह समाज नीचे गिर रहा है जिस माता पिता ने रातों की नींद खोकर अपने पेट का अन्न का निवाला हमारे ऊपर न्योछावर कर दिया उनको हम ऐसे ही उनके वृद्धावस्था में कष्ट भोगने के लिए छोड़ देते हैं ऐसे कही वृद्धालय है जहां पर वृद्ध माता पिता उनकी आवश्यकता क्या होती है बच्चों के द्वारा थोड़ा प्रेम पोते पोतियों के साथ का थोड़ा सहवास लेकिन स्त्री के पीछे लंपट होकर उनका बेटा ही जब खोटा निकल गया तो अन्य से वो क्या अपेक्षा करेंगे और किस उम्मीद पर जिएंगे एक मां के हृदय से एक पिता के हृदय से आने वाली ये भावनाएं क्या वो बच्चों को सुखी रहने देंगी कभी माता पिता अपने बच्चों के लिए कभी बदुआ नहीं निकलती है लेकिन उनको जो कष्ट होता है उस कष्ट का परिणाम बच्चों के ऊपर नहीं होगा ये सुसंस्कृत समाज नहीं है जो समाज इस प्रकार की शिक्षाएं देता है कि हम जवान होने पर हमारा सब शिक्षण इत्यादि होने पर नौकरी धंधे में थोड़ा पैसा मिल जाने पर हम माता पिता को त्याग दे ये समाज सुसंस्कृत नहीं हो सकता अजामिल तो कम से कम अनुताप कर रहा है पश्चाताप कर रहे है आजकल के नराधम तो इस बात का पश्चाताप तक नहीं करते वह कहता है अकृतज्ञ नीच मैं अकृतज्ञ हुआ अपने ही माता पिता से कितना नीच हूं मैं वास्तव में नीच है वो लोग जो अकृतज्ञ होकर अपने माता पिता को इस प्रकार से त्याग देते हैं। सोहम व्यक्तम पतिष्यामी नरके भृषदारुणे धर्मग्ना कामिनो यत्र विंदती यमयातना मैं अब समझ गया हूं कि नरके भीषृषदारुणे पतिष्यामी कि मेरे इन्हीं कार इन्हीं सब कार्यों की वजह से मैंने मेरे पत्नी को धोखा दिया मैंने मेरे बूढ़े माता पिता को त्याग दिया और एक विषया के साथ उसे सुखी रखने के लिए मैंने मेरा पूरा जीवन बिता दिया मेरे इन्हीं कृत्यों की वजह से मैं नरक में गिरने वाला था ये अब मुझे समझ में आ रहा है धर्मग्न कामिनो यत्र विंदंती यमयातना जहां पर धर्मग्न और कामी व्यक्तियों को ले जाकर यमयातना दी जाती है उस स्थान पर उस भीषण दारुण नरक में मैं गिरने वाला था क्यों गिरने वाला था उसके कारण मेरे ये सब कर्म है ये उसे समझ में आया जो धर्मग्ना है जो धर्म का पालन नहीं करना चाहते या नहीं करते हैं जो कामी व्यक्ति है वो स्वीकार करे या न स्वीकार करे उन्हें ले जाकर यम सदन में यातनाएं दी जाती है ये निश्चित है कोई कहेगा मेरा उसके ऊपर विश्वास नहीं अरे आपके विश्वास के लिए कोई नहीं यमराज थोड़ी आपके विश्वास के लिए बैठे हैं किसी का विश्वास हो चाहे ना हो उससे क्या फर्क पड़ता है जो धर्मग्न व्यक्ति है जो कामी व्यक्ति है उसे नरक यातना मिलेगी साक्षात दृष्टम इहाद्भुत क्व यात आद्य ते मकर्षण पाशपाणय जो मैंने अभी अभी देखा क्या वो एक स्वप्न था या वास्तव में वो दारुण यमदूत आकर मुझे खींचने वाले थे ले जाने वाले थे और अगर वास्तव में वो आए थे तो वो कहा गए कि मदम स्वप्न साक्षात अहोस्वित साक्षात दृष्टम क्या मैंने साक्षात इस सब का दर्शन किया है अभी या ये मेरा स्वप्न था ये तो अद्भुत है को याता आद्य ते ये माम व्यकर्षण पाश जिनके पानी जिनके हाथ में पाश था पाश पाणी पानी कहते हाथ को जिनके हाथ में पाश था वे यमदूत कहा गए को याता अभी अभी तो यहां थे कहा गए जो मुझे ले जाने के लिए आए थे मुझे छोड़कर कहा चले गए हैं थ ते कु सिद्धास चतरस चारुदर्शन व्यमोचयन नियमान बधवा पाशेर और वे सिद्धगण कहा गए चतवार चारु दर्शन वे चार सिद्ध जो आए थे चारुदर्शनः जिनका दर्शन बहुत सुंदर था जिनका रूप बहुत विलक्षण था जो बहुत तेजस्वी थे वो जो बहुत आकर्षित लग रहे थे जिनको देखकर ही मन आकर्षक आकर्षित हो रहा था उनके तरफ वो चार सिद्धगण कहा गए कौन थे वे जिन्होंने मुझे व्यमोच व्यमोचयन नियमानम नियमानम मुझे ले जाने वाले को उन्होंने मुक्त कर दिया विमोचित कर दिया बधवा पाशर अधो मुझे पास से बांधकर अधोभुआव निचले लोकों में ले जाने वाले को उस उन्होंने मुक्त कर दिया वे सिद्धगण कहा गए अथापि में दुर्भगस्य विबुदोत्तम दर्शने भवितव्य मंगलेन येनात्मा में प्रसिद्ध मैं बहुत ही अधम हू दुर्भागी हूं लेकिन मुझसे कुछ ना कुछ तो मंगल कार्य हुआ होगा कुछ ना कुछ तो मेरी सुकृति रही होगी नहीं तो मुझ जैसे अधम के लिए मुझ जैसे पतित के लिए मुझ जैसे पापी व्यक्ति के लिए ये चार भगवान के भक्त आकर मेरे लिए यहां पर यमदूतों के साथ वार्तालाप करके मुझे बचाया क्या कारण होगा इसका इन्होंने मुझे मुक्त किया मुझे प्रसन्न किया मुक्त करके मुझे भयमुक्त किया मुझे पाश मुक्त किया मैं तो बहुत नीच था उन्होंने मुझे आकर क्यों बचाया मैं तो बहुत पापी था अवश्य मेरे हाथ से कुछ ना कुछ सुकृत हुआ है पता नहीं क्या है लेकिन मेरे हाथ से कुछ ना कुछ पूर्व आयुष्य में मेरे पूर्व जीवन में कोई सुकृति हुई है भगवान गीता में कहते हैं स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात जो इस भक्ति पथ पर थोड़ा भी कार्य कर लेता है थोड़ा भी भगवान के भक्ति के प्रति अपने आप को समर्पित करता है वो महद भय से बच जाता है एक बार जब ये नरक इत्यादि का वर्णन सुन रहे थे तो प्रुपा जी के एक शिष्य प्रोपा जी के पास आए और उनको पूछा कि प्रोपाद इतना भयानक वर्णन है कि मृत्यु समय जीव को होने वाली यातनाएं उसे भगवान का स्मरण करने ही नहीं देंगी कैसे किसी को भगवान का स्मरण हो सकता है भागवत में वर्णन आता है कि मृत्यु समय पर इतना दर्द होता है कि एक हजार बिच्छू व्यक्ति को एक बार काटने पर जितना दर्द होगा उतना दर्द मृत्यु समय पर होता है अब बिच्छू काटने का दर्द क्या है ये शायद हम शहरवासियों को पता नहीं है लेकिन मृत्यु का केवल डंक का दर्द नहीं है उसका विष जब अंदर जाता है तो वो विष और अधिक दर्द देता है एक बिच्छू काटने पर व्यक्ति नरक यातना मानो अनुभव कर रहा है एक हजार मृत बिच्छू एक बार काटेंगे तो कितनी यातना होगी और इतनी यातना सहन करते हुए व्यक्ति का प्राण छूटता है ऐसी अवस्था में उन्होंने पूछा कि प्रभुपाद भगवान का स्मरण कैसे होगा तो प्रभुपाद कहे कि अगर इस अवस्था में आपको भगवान का स्मरण नहीं हुआ लेकिन पूर्व आयु में जब तक आपका जीवन है उसमें आपने भगवान के नामों का अभ्यास किया है भगवान को याद किया है जब आप स्वस्थ थे जब आपका शरीर स्वस्थ था आप समर्थ थे जब आपको कोई परेशानी नहीं थी तब जब आपने भगवान का अगर भजन किया है भगवान के नामों का उच्चारण किया है भगवान के नाम का जप किया है हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे यदि आपने आपके सुष्टु जीवन में भगवान के नामों का उच्चारण किया है भगवान को याद किया है तो आपके मरणासन अवस्था में आपको अगर भगवान याद नहीं आए तो भगवान को आप जरूर याद आओगे भगवान निश्चित रूप से आपको उनका स्मरण दिलाएंगे और ये अनेक भक्तों के बारे में देखा गया कि शरीर त्याग करते समय चूंकि जीवन भर उन्होंने नाम अभ्यास किया था नाम उच्चारण का अभ्यास किया था संकीर्तन का अभ्यास किया था इसलिए शरीर त्याग करते समय उन्हें भगवान का नाम याद रहा कोई अगर सोचेगा कि मृत्यु समय नारायण स्मृति ही मृत्यु समय ही भगवान का नाम याद करना है तो जीवन भर भोग कर लेते हैं अंत में भगवान का नाम याद करेंगे भगवत धाम चले जाएंगे ऐसा नहीं होता जीवन भर अगर हम भगवान के नाम का अभ्यास नहीं करेंगे भक्तों के संग में नहीं रहेंगे हरि कथा का श्रवण नहीं करेंगे मंदिर में जाकर भगवान का दर्शन नहीं करेंगे भागवत गीता इत्यादि ग्रंथों का अध्ययन नहीं करेंगे तो हम अंतम अंत काल में भगवान का कभी स्मरण नहीं कर सकते यह संभव नहीं है लेकिन जो जीवन भर इसका अभ्यास करता है जीवन भर का अर्थ क्या है जब से ज्ञान प्राप्त हुआ तब से पहले क्या हुआ छोड़ दो जिस क्षण से हमको ज्ञान प्राप्त हुआ उसके आगे अगर हम भक्तों के संग में रहते हैं भागवत गीता इत्यादि ग्रंथों का अध्ययन करते हैं हरिनाम का जप करते हैं विग्रह की सेवा करते हैं भगवान के धाम में कभी कभी वास करते हैं यह भक्ति में कार्य जब हम करने लगेंगे तो यह निश्चित है कि अंत समय में हमको भगवान का स्मरण होगा और भगवान का स्मरण लेकर अंत काले च मां स्मरण मुक्त कलेवरम य प्रयाति याति यात्र संशय भगवान कहते हैं जो अंत काल में मेरा स्मरण करके शरीर त्याग करता है निश्चित रूप से वो मेरे धाम को प्राप्त होता है इसमें कण मात्र भी संशय नहीं है और यद गतवा न निवर्तन्ते जो उधर जाता है वो पुनश्च जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं आता आजामिल का ये स्मरण इसी प्रकार जारी रहेगा हमारे अगले एपिसोड में तब तक के लिए हरे कृष्णा